नमस्कार, अभी हमें डीवाई विधानसभा क्षेत्र और यह इलाका जाना जाता है जी हाँ, कल्याण सिंह के नाम से। जी हाँ, कल्याण सिंह यहीं से जीते थे और उसके बाद मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए और काफ़ी इम्पोर्टेंस है इस इलाकों में। लेकिन हम अभी हैं आम आदमी पार्टी के कार्यालय में और यहाँ से प्रत्याशी है जो खासतौर से हम दिखाना चाह रहे हैं आपको, यह विधानसभा क्षेत्र 68 है और डॉक्टर मनोज शर्मा यहाँ के आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। आइए जानते हैं इनके कार्यालय में है कि आखिर क्या किस मुद्दे को लेकर डीवाई विधानसभा क्षेत्र में जाने वाले हैं मनोज जी। जी हाँ, क्या कुछ है मुद्दे लेकर जाना है जी? जी नमस्कार जी। जैसे कि आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी जी आम आदमी पार्टी शिक्षा, इनके जो मुद्दे जो रहते हैं, इनका मुद्दा जो रहता है शिक्षा रहता है। आपका शिक्षा हो गया, आपका रोजगार हो गया, फ्री बिजली और जो मतलब महंगाई के जो मुद्दे हैं, महंगाई जितनी मतलब बढ़ी हुई है, तो आम आदमी पार्टी मतलब जो मतलब दिल्ली के अंदर जो काम कर रही है, जैसा कि दिल्ली में मतलब काम हुआ है और पिछले 7 साल में जो आम आदमी पार्टी ने अपनी जो पहचान बनाई है, तो उसी पहचान के साथ और जो उनका मैनिफेस्टो जो है, जो उनके मुद्दे हैं, ये उन्हीं के साथ मतलब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में उन्होंने इस बार मतलब यहाँ पे एंट्री की है। और एक जिस मतलब जिस विचारधारा के साथ, एक आम आदमी पार्टी एक पार्टी का नाम नहीं है, वो एक क्रांति का नाम है जी। क्या बात, जिस हिसाब से मतलब क्रांति मतलब दिल्ली में, जैसा कि हमने देखा है कि मतलब पिछले मतलब 6 से 7 साल में, और जो एक क्रांति, जिस तरह की क्रांति मतलब दिल्ली में पैदा की है और जो एक होना चाहिए, और जो एक गरीबों के जो बेसिक्स मुद्दे होते हैं, ये आम आदमी पार्टी बेसिक्स पर काम करने के लिए अपनी इन्होंने पहचान बनाई है। इनका किसी जाति धर्म, जिस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में पहले से जानी जाती है, उस तरह की राजनीति से बहुत दूर हटके इस पार्टी ने अपनी एक पहचान बनाई है। और जैसा कि अभी हम डिवाई विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ भी मतलब अभी तक जो राजनीति होती आई है, वो कोई भी पार्टी हो, यहाँ भी अभी तक जो भी राजनीति हुई है वो जाति और धर्म के नाम पर लोग, राजपूत लोग मिले रहे और इसलिए बीजेपी को, इसी मतलब राजनीति को हमको यहाँ से हटाना है। और हमें जो गरीबों के जो बेसिक्स, गरीबों की या जनता की जो मतलब बेसिक्स नीड हैं, हमें उसी पर मतलब काम करना है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं। आप किस बार, इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देंगे? आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, क्यों? ये पार्टी नई आई है और ये पार्टी बढ़िया कार्य करेगी, इसलिए हम जो है आम पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का वादा करती है आम आदमी पार्टी, इसलिए लगता है आपको दिल्ली से अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कब्जा होगा? हाँ जी, आपको क्या लगता है? हाँ जी आम आदमी पार्टी का कब्जा होगा अब डिवाई विधानसभा क्षेत्र में। ये विकास के नाम पर ही लड़ रहे हैं और बिजली मुफ्त मिलेगी। हाँ, दिल्ली में लोगों को, हाँ, 300 यूनिट बिजली मुफ्त, बिजली के, यही आप तो समाजवादी भी कर रही है कि बिजली मुफ्त देंगे ना? समाजवादी इनका बोला हुआ जो बाद में लाई है ना समाजवादी पार्टी, पहले तो इन्होंने जो कहा है उसी उसके लिए ये कर रही है। उसमें समाजवादी पार्टी भी आम आदमी पार्टी के मुद्दे को उछाल रही है। हाँ जी, समाजवादी पार्टी, जैसे कि आम आदमी पार्टी अपनी विचारधारा और अपने मुद्दे के लिए, जैसे कि दिल्ली में उन्होंने करके दिखाया है कि फ्री बिजली, फ्री पानी जी, फ्री शिक्षा जी, जो एक बेसिक्स नीड हैं जनता की, उनके ऊपर काम किया है। और जब उसी विचारधारा के साथ ही उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने अपनी पहचान बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस हिसाब से मतलब आई है, तो दूसरी पार्टी उसका मतलब बेनिफिट लेना चाहती है। जैसे कि केजरीवाल जी का एक रैली हुई थी, रैली उत्तर प्रदेश लखनऊ में, एक रैली में जैसे कि उन्होंने वहाँ पे ऐलान किया कि इस बार हम यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश में मतलब फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, इसको हम देने की कोशिश करेंगे। उसके तुरंत बाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी का उसी विचारधारा को, उसी मतलब मुद्दों को उन्होंने अपनाने की कोशिश की है। जैसे कि मतलब सपा ने मतलब बोला है कि हम भी 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और योगी गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश में उस रैली के तुरंत बाद बिजली के बिल आधे कर दिए। तो ये जो है मतलब ये पिछले मतलब 5 साल में भी होना चाहिए था, जैसे यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट थी। तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर राजनीति करने नहीं, राजनीति को बदलने आई है, ये सभी जानते हैं। और केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने इस कार्य को मतलब करके दिखाया है, उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी वही राजनीति को बदलने के लिए वो अपना कदम उठाया। जी हाँ, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी का यहाँ पर वजूद होगा अब इस बार? जी वजूद पूरा इस बार, देखो सपा बसपा बीजेपी तीनों को चांस दिए लोगों ने, अच्छी बात है, लेकिन इस बार मेरे ख्याल से आम आदमी को चांस दिया। क्यों क्यों आम आदमी पार्टी क्यों चांस? वो सब मतलब सब लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। दिल्ली में 3 बार सरकार मिली है केजरीवाल सर की, वो किसी अच्छाई में ही बनी। जी हाँ बिल्कुल। संजय जी, इस विधानसभा क्षेत्र का अलग इम्पोर्टेंस रहा है,
डुबोई विधानसभा क्षेत्र का 96 में यहाँ पर खासतौर से कल्याण सिंह जी के आए और उसके बाद पूरी तरह से कह सकते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट विधानसभा क्षेत्र हो गया। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, डुबोई विधानसभा क्षेत्र खुद कल्याण सिंह जी के लिए भी एक उनका गढ़ माना जाता रहा है और उनके बेटे राजवीर सिंह जी के लिए भी काम कार्य क्षेत्र रहा है। और उससे बड़ी बात यहाँ की ये है कि मैं इस कार्यालय में आप देख सकते हैं जैसा कि आम आदमी पार्टी का जो वर्क कल्चर रहा है कि तीन बार के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से लड़ी है, इस कार्यालय में आप देख रहे हैं कि बस दो चार लोग हैं, इसके अलावा कोई ऐसी भीड़ भाड़ नहीं है। स्ट्रेटजिकली ये लोग बड़ा काम कर रहे हैं ऐसा देखने में आ रहा है। लोग फील्ड में गए हैं, लोगों से मिलना जुलना। सोशल मीडिया से ज़्यादा लड़ती है आम आदमी पार्टी पहले चुनाव में तो ज़रूर ऐसा रहा है। इसके बाद फिर उनके पास तो सबसे अगर टास्क फोर्स सोशल मीडिया में बीजेपी के बाद है तो आम आदमी पार्टी की ही है, लेकिन यहाँ पर फील्ड में लड़ते हुए भी दिखा लोग नज़र आ रहे हैं, फील्ड को लेकर काफ़ी एक्टिव। डुबोई विधानसभा क्षेत्र में लोधी राजपूतों का काफ़ी गढ़ रहा है और इस कारण से बीजेपी को इसका पूरी तरह से उस पर कब्जा रहा है जी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि होगा फिर आगे? देखिए, पानी बहुत कुछ बदला है। कल्याण सिंह राजवीर सिंह के बाद कितनी रुझान वो बरकरार रह गई है, वो वोटर अभी वहीं पर हैं या इधर उधर छिटके हैं, इन सब बातों पर निर्भर करता है। लेकिन अलग अलग पार्टियाँ अलग अलग तरीके से अपने चुनावी हथकंडों से निपटने की कोशिश कर रही हैं, चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन फिलहाल जो आम आदमी पार्टी के कार्यालय के कान की नवाइयत देख कर लगता है कि ये अपनी रणनीति पर ये भरोसा कर रहे हैं और रणनीति की जैसे ये बातचीत से भी बिल्कुल अपनी रणनीति से आगे बढ़ रहे हैं। ये मनोज शर्मा के बारे में कुछ बताइए, डॉक्टर मनोज शर्मा जी। मनोज शर्मा, ये इनका जो पूरा नाम है डॉक्टर मनोज शर्मा जी, जी। ये जो कैंडिडेट हैं, ये कैंडिडेट इनकी जो छवि है इस क्षेत्र में, इनकी जो छवि पहचानी जाती है, ये वेल क्वालिफाइड हाईली क्वालिफाइड, जैसे इनके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, ये पीएचडी हैं। इनकी टोटल जो एजुकेशन है वो एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इनकी पूरी एजुकेशन कंप्लीट हुई है जी। जी तो जी हाँ बिल्कुल जी। और जिस प्रकार से हम पोस्टर देख रहे हैं, हम आप दिखाने के लिए कोशिश करते हैं आपको, देखिए डिप्लोमा फ्रॉम जिनेवा यूनिवर्सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड, डिप्लोमा इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, डिप्लोमा फ्रॉम MHRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और उस पर खासतौर पर इन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं उन मुद्दों को इसमें हाँ बिल्कुल 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 बताइए जी। जैसे आप मतलब डॉक्टर मनोज शर्मा के बारे में जानना चाह रहे हैं, इस क्षेत्र में जितने भी मतलब कैंडिडेट हैं उन सभी कैंडिडेट में इनसे ज़्यादा क्वालिफाइड यहाँ पे कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं है। और जैसे कि आम आदमी पार्टी है वो पढ़े लिखे कैंडिडेट को ही प्रत्याशी को टिकट देती है, और वही यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि डॉक्टर मनोज शर्मा वेल क्वालिफाइड, और अगर यहाँ से ये विजयी होते हैं, अगर यहाँ से आम आदमी पार्टी की सीट निकलती है, तो इनका सबसे पहला मुद्दा जो होगा वो शिक्षा के ऊपर ही होगा कि यहाँ पे शिक्षा के ऊपर भरपूर काम किया जाए और यहाँ पे बेहतर से बेहतर शिक्षा यहाँ पे व्यवस्था दी जाए। और ये जो है जैसे इनकी एजुकेशन के बारे में, ये कैम्ब्रिज ऑफ यूनिवर्सिटी मतलब वहाँ से भी ये मतलब क्वालिफाइड, इन्होंने कुछ मतलब डिप्लोमा किया है और मतलब कई मतलब बाहर भी अपना जॉब कर चुके हैं, ये मतलब फॉरेन में जाके मतलब दुबई में ओमान में इन्होंने मतलब वहाँ पे जॉब की है, सर्विस की है। तो और इतने बेहतर वक्ता हैं कि इनका शब्द कोश जो है, इनका शब्द कोश इतना बड़ा है, जैसे कि मतलब ये जो इनका प्रोफेशन जो रहा है, ये एज ए टीचर मतलब इन्होंने काम किया है, ये टीचर हैं, तो इनका शब्द कोश जो है बहुत ही बड़ा है। और ये मतलब कवि भी रह चुके हैं, कविताएं लिखना पोइट करना ये मतलब इनका काम रहा है। तो क्वालिफिकेशन में और बोलने में इनके सामने दूसरा कोई नहीं टिकता है जी हाँ, कोई और प्रत्याशी नहीं टिकता ये कहना है। और जिस प्रकार से शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार और नशे में डूबी युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन करना इनका खास मुद्दा है, और इसी पर डॉक्टर मनोज शर्मा यहाँ पर प्रत्याशी हैं जो हाँ डुबोई जो विधानसभा क्षेत्र के बारे में आपको बता रहे थे। और हम आपको बता दें कि यह विधानसभा क्षेत्र काफ़ी कुछ महत्व रखता है, क्योंकि बीजेपी को अगर पानी मिला है, बीजेपी को कह सकते हैं कि अगर सांस मिली है, बीजेपी अगर सत्ता में आई है, तो यही वो विधानसभा क्षेत्र है जहां से डुबोई विधानसभा से जहां कल्याण सिंह जीत कर बीजेपी को पूरी तरह से यूपी में स्थापित कर दिया है। और इसी विधानसभा से अब मनोज शर्मा जहां आम आदमी पार्टी से